क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। So, अगर आपको भी IPL के हर मुकाबले का आखिरी ओवर देखना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप तक लेकर आएंगे हर मुकाबले का आखिरी ओवर, जिससे आपको पता चले कि आखिरी ओवर में क्या हुआ था। दोस्तों, आप भी अगर श्रेयस अय्यर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं सांसें रोकने वाला वो आखिरी ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में हुआ था। दोस्तों, आखिरी 6 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी कोलकाता नाइट राइडर्स को मुकाबला जीतने के लिए। बल्लेबाज 2 बाकी थे क्योंकि 8 विकेट गिर चुके थे। शेल्डन जैक्सन और उमेश यादव बल्लेबाज से, मैके गेंदबाज से जो डेब्यूट गेंदबाज से इस मुकाबले के 6 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। पहला गेंद दौड़ कर आए मैके और पहली गेंद पर शेल्डन जैक्सन ने जोर से बल्ले को फ्लिक किया और गेंद गैप में गिरी, जिसके चलते दौड़ कर 2 रन लिए शेल्डन जैक्सन ने। अब 5 गेंदों पर 9 रनों की दरकार थी। दोस्तों, वापिस से संजू सैमसन ने फील्डिंग सेट की, क्योंकि अगर एक भी छक्का जाता तो मुकाबला बदल जाता था। दोस्तों, इसकी अगली गेंद पर बगल में खड़े स्लिप शॉट खेला शेल्डन जैक्सन ने, लेकिन गेंद बाउंड्री के पार जाने से पहले गिरी सीधा प्रसिद्ध कृष्णा की गोदी में, जिसके चलते इस मुकाबले में शेल्डन जैक्सन आउट होकर रह गए। दोस्तों, 8 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते शेल्डन जैक्सन आउट हुए और 9 विकेट गिर चुके थे। दोस्तों, उनके बाद सिंगल लिया वरुण चक्रवर्ती ने। अब 3 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे उमेश यादव, जो एक लौते बल्लेबाज से इस तूफानी मुकाबले के। दोस्तों, स्ट्राइक पर थे उमेश यादव, 3 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे गेंदबाज से मैके, और आते ही इस तरह से बोल्ड कर रख दिया मैकॉय ने उमेश यादव को, जिसके चलते ऑल आउट होकर रह गई कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हां दोस्तों, गेंदें तो थी कोलकाता के पास लेकिन बल्लेबाज नहीं थे, जिसके चलते 7 रनों से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, 7 रनों से अंतिम ओवर में मुकाबला राजस्थान रॉयल्स की टीम ने केकेआर से छीन लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे आखिरी ओवर का पूरा रोमांच? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।